हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में। मैं हूँ रंजिता पठारे और हाजिर हूँ आज के न्यूज इनमार्क में। क्या आपको पता है सावो से डरा हुआ है बॉलीवुड। पहले दिन ही टूट सकते हैं कमाई के कई रिकॉर्ड्स। जी हाँ, सावो से डरा हुआ है बॉलीवुड और लग रहा है जैसे कि पहले ही दिन सावो करेगी 100 करोड़ पार। फिल्म साहो को लेकर प्रभास के प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है। फिल्म यूई में भारत से एक दिन पहले रिलीज हो चुकी है और फैंस इसे ब्लॉकबस्टर बता रहे। भारत में भी साहो 30 अगस्त यानी आज 10,000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। फिल्म ने रिलीज से पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साहो का बच है कि बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स डरे हुए हैं। तभी तो साहो के आसपास दूर दूर तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं है और ना ही शेड्यूल में लगी हुई है। इंटरनेशनल क्वालिटी के वीएफएक्स, हैरत अंगेज एक्शन स्टंट सीन्स फिल्म की यूपीएस है, यूएसपी है सॉरी। चार भाषाओं में रिलीज हो रही साहो के पहले दिन सभी रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद की जा रही है। आइए जानते हैं फिल्म साहो हिंदी में हिंदी फिल्मों के लिए खतरा कैसे बनी है और कैसे साहो पहले दिन 2.0 और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और बाहुबली 2 के कलेक्शंस को तोड़ सकती है। साहो जो है, फिल्म साहो, इसका जो टोटल कुल बजट है वो बताया जा रहा है कि 300 करोड़ का है। 300 करोड़ का बजट ऐसा कहा जा रहा है इसके लिए। अब ये भी है कि जो बॉलीवुड मेकर्स हैं, जो बॉलीवुड फिल्म मेकर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा, मतलब ये इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों में भारी उत्साह है, तो 100 करोड़ पार करना कोई सरप्राइज नहीं होगा। आंकड़े के देखें तो रजनीकांत की 2.0 वर्ल्ड वाइड 10,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, जिसने 7850 स्क्रीन भारत इसमें से। और साहो तो अकेली 10,000 स्क्रीन भारत में रिलीज हो रही है। फिल्म ने पहले दिन 70 करोड़ का बिजनेस किया था 2.0 ने, और जब सिर्फ 7,850 स्क्रीन भारत की पर रिलीज होकर 70 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, तो साहो तो 10,000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है, तो सभी बस यही मान के चल रहे हैं कि फिल्म 100 करोड़ पार तो आज जाएगी जाएगी। अब डरा हुआ क्यों है बॉलीवुड, ये जान लेते हैं। 15 अगस्त को बाटला हाउस और मिशन मंगल रिलीज हुई थी, इसके बाद से कोई भी बड़ी फिल्म नहीं आई है, जबकि कई अच्छी फिल्म रिलीज के लिए कतार में लगी हुई है। 15 अगस्त के बाद बीते 2 हफ्तों में अक्षय और जॉन की फिल्मों में भी अच्छा बिजनेस करने का उन्हें मौका मिला। 30 अगस्त के बाद 13 सितंबर तक कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है। 13 सितंबर से सेक्शन 375 और ड्रीम गर्ल रिलीज होगी। साहो को रिलीज से पहले और रिलीज के बाद खाली मैदान मिला हुआ है, मतलब कि अकेले बादशाह बने हुए हैं प्रभास। बॉलीवुड मेकर्स भी यकीनन प्रभास के फैंडम और क्रेज को लेकर वाकिफ होंगे, इसीलिए उन्होंने नो रिस्क फॉर्मूले को अपनाना बेहतर समझा है। साहो के साथ प्लस पॉइंट ये भी है कि अकेले भारत में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। विदेशों के स्क्रीन काउंट की पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, मतलब कि ये स्क्रीन जो है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि विदेशों में कितनी स्क्रीन पर रिलीज हो रही है इस बात का तो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में पहले दिन की कमाई सभी रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। साउथ में तो सिंगल स्क्रीन पर साहो के टिकट के दाम बढ़ने की भी खबरें आ रही है, मतलब फर्स्ट डे ही इसके जो दाम है वो आसमान पहुंच गए हैं। अब जब साहो सबसे बड़ी तादाद में रिलीज हो रही है तो मूवी के पहले दिन 100 करोड़ आ ही सकते हैं, क्योंकि साहो के यानी कि प्रभास के फैंस इतने ज्यादा है कि बाहुबली फर्स्ट और बाहुबली सेकंड में तो हमें पता ही चल गया। तो फिर बाहुबली ने तो पहले दिन 121 करोड़ कमाकर कीर्तिमान रचा था। अब देखते हैं कि साहो के एक्चुअल आंकड़े कितने आते हैं और कितनी कमाई करती है। आज देखने तो जरूर जाएंगे सभी लोग, क्योंकि साहो का इंतजार इतने लंबे समय से किया जा रहा था, इतने लोग उत्सुक थे और सिर्फ
साउथ में ही क्यों पूरे भारत में लोग पागल हुए जा रहे हैं इस फिल्म के नाम से। तो देखते हैं फिल्म के क्या क्या नए रिकॉर्ड्स बनते हैं। आज के न्यूज इंडिया प्लेट में इतना ही था। दिन भर बने रहिए एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव के साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।